हेलो दोस्तों दोस्तों रमज़ान के बाद रोज़े रखने के बाद में रमज़ान के महीने में और ईद के एक महीने बाद, तो यानी कि क्रिकेट छोड़े हुए पूरे 2 महीने हो गए और 2 महीने बाद हम दोस्तों ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। तो ग्राउंड पर हम पहुंच चुके हैं, पूरी टीमें हमारी दोनों बैठी हुई हैं और हमारी फील्डिंग आ चुकी है, टॉस हो चुका है, हमारी फील्डिंग है और हमारे ये छोटे खिलाड़ी इब्राहिम भाई भी आए हैं। ये अपने ग्रीन कलर से मूंछें बना कर आए हैं। रियाज भाई हमारी तरफ है, हमारी तरफ रियाज भाई। रियाज भाई की बॉलिंग आज कहाँ तक चलेगी? हाय हेलो कर दो रियाज भाई, जरा बढ़िया करके। आ चुके हैं गर्मियों में अपना पसीना बहाने और सेहत को और थोड़ा मजबूत बनाने। सही है, सेहत तो मजबूत बनती है। देखो जी वीडियो आज बना रहा हूँ और आज ही पहली बार लेट हुआ और आज ही देखो बदनाम हो गया हूँ मैं। नहीं वैसे तुम जितना भी लेट हो, 4 महीने पूरे पूरे महीने लेट है, 4 महीने हो गए हैं, पहले दिन लेट है। बात तो ऐसे कर रहे हैं, 4 महीने से खेल रहे हैं। अरे आते क्यों ना, चलो। नहीं ऐसी बात नहीं हुई, पहले दिन ही लेट हुआ और बदनाम कर दिया आते ही मुझे एकदम इन्होंने। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जी, हमारी फील्डिंग आई है, टॉस हार चुके हैं हम। अब भाई अगला बॉल लेके तैयार, अब भाई की पहली बॉल, ओ जावेद भाई ने उठा के मारा है, सिक्स मार दिया क्या? ओ बाल बाल बच गए जावेद भाई। अब भाई बहुत दिनों बाद बॉल लेके आते हुए, जावेद भाई बैटिंग करते हुए, ओ जावेद भाई ने आगे बढ़ के मारा वाइट बॉल। शेरू भाई अगली बॉल के लिए, नदीम भाई ने आगे बढ़ के मारा और ये सिक्स। एको शकील भाई मॉडल हो चुके हैं, देखो चश्मा वश्मा लगा के फील्डिंग कर रहे हैं, इनके पास एक बॉल नहीं आ रही, जब भी जा रहे हैं बाउंड्री पार से उठा के ला रहे हैं। शेरू भाई तीसरी बॉल लेके तैयार, नदीम भाई ने फिर उठा के मारा और ये सिंगल। ये नूरेन भाई तीसरा ओवर लेके तैयार, नदीम भाई स्ट्राइक पे, नदीम भाई ने 3 पे 3 पे छक्के लगा चुके हैं और ये नदीम भाई ने दोबारा उठा के मारा एक ही रन। अक्रम भाई ने अभी जितनी बॉलें खेली हैं अभी कोई भी सी बल्ले पे नहीं आई, अक्रम भाई के डोटी कर रहे हैं। अगली नेक्स्ट बॉल हो, अक्रम भाई ने कहती उठा के मारा है, ओ नदीम भाई ने उठा के मारा और ये देखते हैं क्या सेक्स। नदीम भाई अगली बॉल के लिए तैयार, ओ डॉट बॉल। नदीम भाई ने लास्ट बॉल पे सिंगल ले लिए, देखिए स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। शाहरुख भाई की पहली बॉल और नदीम भाई ने उठा के मारा, बहुत दूर जा रही है और 6 रनों के लिए। भाई अगली बॉल लेकर खड़े हैं, नदीम भाई तैयार, देखते हैं अगली बॉल पे क्या होता है। नदीम भाई ने आगे बढ़ के मारा और ये कहाँ गई और ये सिक्स। नदीम भाई ने शाहरुख भाई पे 5 पे 5 छक्के लगा दिए हैं, 6 ओवरों में 103 रन हो गए हैं। नदीम भाई ने बहुत ही सूद दिया इनके टीम को, हर ओवर में 4-5 छक्के पड़ रहे हैं इनकी बॉलरों पे, इनके बॉलर बॉलिंग कराने भी नहीं आ रहे, फील्डिंग चेंज करते करते परेशान है, कहीं भी बॉल डाल दो सिक्स ही जा रहा है। सिक्स लेके तैयार, नदीम भाई भी स्ट्राइक पे, ओ नदीम भाई ने फिर से देखते हैं कैच गया सिक्स। और अकरम भाई का शॉट और एक और चौका छोड़ दिया, 3 चौके छोड़ चुके हैं सरफराज भाई। ये एक विकेट ले चुके हैं सरफराज भाई,
ये इतनी गर्मी के मौसम में देखो हमने 8 ओवर में 117 रन बना दिए, और ये फैजान ने 100 ओवर उठा के खेला है, देखते हैं क्या होता है। ओह बीच में गिरी और चौका, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हो रहे हैं बिल्कुल। मैं पकड़ूँ या मैं पकड़ूँ कोई नहीं पकड़ पा रहा। और ये देखो इतनी गर्मी में हमने पानी और उसके लिए बर्फ़ लाए हैं ताकि हमें सही रहे टेम्परेचर हमारा। ये बर्फ़ जा रहा है पानी में और पानी हमें मिलेगा। और ये इब्राहिम भाई आज हमारे खेलना है, इनकी मूछें देखो, दिखाओ मूछें दिखाओ, ये इनकी मूछें इन्होंने बनाई सुबह ही सुबह। ये बोल भी हो गई है कितने में, और बोल्ड इस बॉल का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये शेरू हमारे एक्सप्रेस में है, किल्ला उड़ा दिया अकरम भाई का। और ये अगले बैटर है मजहर भाई जो पूरा पैक होके जा रहे हैं, ये भी बहुत ख़तरनाक खिलाड़ी है, देखते हैं इनके बल्ले से आज क्या निकलता है। अरे वाह ये क्या बॉल थी, ओह चौका फिर से छोड़ दिया शाहरुख ने। ये मजहर भाई का पहला ही चौका पहली बॉल पे, खाता खोला चौके के साथ। शेरू का ओवर समाप्त हो गया है, अगला ओवर आएगा सरफराज भाई का। 9 ओवर में 133 रन हमारे, और ये 10वां ओवर लग चुका है, पहली बॉल वाइड, ये 34 हो गए हैं। देखते हैं क्या टारगेट देते हैं, 10 ओवर का मैच है हमारा और ये लास्ट ओवर चल रहा है। फैजान बैटिंग पे है, ये धूप में लगे पड़े हैं, और बॉल और डॉट बॉल, फैजान तो बिल्कुल लपेड़ आए इनके बल्ले पर आए तो छक्का वरना कुछ नहीं। बड़े दिनों बाद इनके छक्के दिखते हैं, एक एक महीने बाद देखते हैं आज दिखेगा नहीं दिखेगा। एक मार चुका जबकि, ओ बल्ला चलाया खिलाड़ी शाहरुख जिसने पहला छोड़ा था अब पकड़ लिया। ये अगली बॉल मजहर भाई का शॉट, क्या शॉट खेला, और शॉट भी है आया इनके पास हमारे आलिम भाई के पास। ओह पकड़ ली शकील भाई ने, शकील भाई कह रहे मेरे पास एक बॉल नहीं आई, एक तो पकड़ूँ। फैजान ने शॉट खेला है और गैप में 4 रन, सब देखते रह गए। अगली बॉल फैजान, ओ उठा के खेला है और 6, बहुत लंबा छक्का मारा है। ये बरसाती मेंढक भी आज चल रहे हैं इनके, धूप में जो है रंग दिख रहे हैं। अगली बॉल उठा के खेला है, देखते हैं क्या होता है, कैच होने के ज़्यादा आसान लग रहे हैं। बीच में गिरी ये भी नहीं पकड़ पाया, और खिलाड़ी ने 2 रन ले लिए। ये हमने टारगेट दिया है इन्हें 10 ओवर में 147 रन, देखते हैं अगली इनिंग में चेस कर पाते हैं या हार जाते हैं। दोस्तों आउट होके आ गए हैं 2 ओवरों में 30 रन मार के, अब देखो हमारी टीम क्या करती है। 148 रन चाहिए 10 ओवरों, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए ये 2 विकेट इन्होंने हमारे कर दिए हैं, और 33 रन है तीसरा ओवर है। बहुत अच्छा शॉट, बड़ा बेहतरीन 6 खेतों में जाके गिराया सीधा, बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों पहले दिन में राहत भाई ने कुछ कर दिया है, राहत भाई ने थोड़ी राहत दिलाई है। और और हम बोल रहे थे कि राज भाई वाला बल्ला मत लो वो थपकी है, तो इन्होंने बल्ला अपना ही डबल टोन वाला ले लिया, तो टोन से टोन दिखा रहे हैं ये, पहली टोन आ चुकी है, बहुत बढ़िया बेहतरीन। राहत भाई जब तक तुम हो तो हमें राहत है। बॉल खेतों में से उठकर आ चुकी है दोस्तों, मजहर भाई के हाथ में दोबारा बॉल है और ये बॉल करने के लिए चल दिए राहत भाई बैटिंग करते हुए। बहुत ये बढ़िया अच्छा शॉट घुमाया है, और ये बहुत बढ़िया फ्लैट से हाथ में ना आए ऐसा 6 मारा है इन्होंने। राहत भाई ने 2 बॉलों पे 2 6 मारकर थोड़ी राहत और दिलाई है हमें। मजहर भाई तीसरी बॉल लेकर चलते हुए और वाइड बॉल, मजहर भाई चौथी बॉल लेते हुए, ओ ये बल्ला घुमाया लेकिन कोई फायदा नहीं, ये बहुत बढ़िया शॉट घुमाया है। और ये बहुत अच्छा मिसफील्डिंग करते हुए फैजान भाई एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, कोई नहीं करते रहो ब्लेम, हमें रन देते रहो। नदीम भाई ओवर लेके शकील भाई सामना करते हुए, बहुत बढ़िया शॉट मारा है और नदीम के हाथ में सीधा डायरेक्ट कैच,
बढ़िया कैच नदीम ने पकड़ ली, बहुत बढ़िया शॉट मारा है घुमा करके, देखते हैं क्या है। ओए होए बड़ा लंबा है, देखते हैं क्या होता है। ओ ये बाउंड्री के पार से एक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिक्स, बहुत ही लंबा, बहुत अच्छा, वेल डन नूरेन, वेल डन। जावेद भाई रावलपिंडी आ चुके हैं, शोएब अख्तर के बड़े भाई जावेद भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वागत करा है राहत भाई ने, बहुत बढ़िया स्वागत करा है राहत भाई ने पहली बॉल पे सिक्स। शोएब अख्तर के भाई जावेद अख्तर साहब बॉलिंग करके बॉलिंग लेकर आए हैं, पहली बॉल पे छक्के से स्वागत हुआ था इनका, अब देखते हैं दूसरी बॉल का, दूसरी बॉल का भी नतीजा बिल्कुल सेम है, बहुत ही ऊंचा और बहुत ही लंबा सिक्स, बहुत बढ़िया, ये ताली और सीटियों के साथ में सिक्स। जावेद भाई तीसरी बॉल लेकर हाजिर हैं राहत भाई के सामने, हमारी राहत भाई से यही रिक्वेस्ट है कि राहत भाई हमें छह बॉलों पर छह छक्कों से राहत दिलवाओ। तीसरा भी बहुत बढ़िया, वेल डन, तीन बॉलों पर तीन छक्के, वेल डन। जावेद भाई चौथी बॉल लेकर हाजिर हैं, चौथी बॉल लेकर जावेद भाई शोएब अख्तर के बड़े भाई जावेद अख्तर हाजिर हैं, तीन बॉलों पर तीन छक्के खा चुके हैं, देखते हैं चौथी बॉल पर क्या होता है। चौथी बॉल जावेद भाई लेकर हाजिर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन ये वाइड बॉल नहीं है, बहुत बढ़िया, चलो मदर भाई के हाथ में, आत्मा ओवर नदीम के हाथ में है, सोलो बड़ी। दोस्तों छह ओवरों में 96 रन हमारे हो चुके हैं और 10 ओवरों में 148 रन हमें बनाने हैं, करीब तो आ ही जाएंगे, तो मैच तो लगभग लगभग रन रेट के हिसाब से चल रहा है, बहुत बढ़िया शॉट लिया है, देखते हैं अकरम भाई फील्डर, अजहर महमूद आ चुके हैं, इन्होंने सीधा पाकिस्तान से इंपोर्ट करा है अजहर महमूद को, बहुत बढ़िया शॉट खेला है फैजान भाई द फील्डर, देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया चौका निकाला, बहुत अच्छा चौका, गैप में से निकाल दिया, जाओ ऐसे टाइम पे, खतरे की घंटी बजती हुई है, अभी हमें रन बहुत चाहिए, वाइड आउट, अजहर महमूद साहब ने आउट कर लिया है, अब देखो रियाज भाई आए क्या होता है, देखते हैं अब। यार अगली बॉल पे भी विकेट, पहली बॉल पे ही रियाज भाई का डग बन गया है, दो ओवर में 39 रन चाहिए, राहत भाई क्रीज पर है जब तक ही हमें राहत है, वाइड बॉल, आठ बॉलों में 39 रन रिक्वायर्ड जो कि नामुमकिन लग रहा है, और राहत भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए आ रहे हैं और लास्ट में कैच हो गए, कोई बात नहीं होता है ऐसे, हर मैच एक जैसा नहीं जाता, ओए बहुत अच्छी कैच छोड़ी, सही है, छह ओवरों में पूरे 36 रन चाहिए, मदर भाई बॉलर हैं और सामने शेरू बैट्समैन है, पूरे 36 रन चाहिए छह बॉलों में, हर बॉल पे सिक्स, पहली बॉल सिंगल, कुछ नहीं हुआ, यानी कि मैच अब हम हार ही गए, कोई नहीं अब अगले मैच में ट्राई करेंगे, ये वाला मैच तो लगभग लगभग हम हार चुके हैं।